व्हाट्सअप गाइस, तो क्या हाल है आपका? बंद करो हाथ जोड़ के। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेज ऑफ द सिक्स पाथ्स के बारे में। ओह माय गॉड, वाओ। तो गाइस, अगर मैं कह दूं कि नरूटो सबसे पावरफुल स्टेज ऑफ द सिक्स पाथ बन जाएगा, तो क्या आप इस पे यकीन करोगे? नहीं। अगर मैं इसे एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन करूं, तो आप इस पे यकीन करोगे? ऑफ कोर्स। सो जैसे कि मांगा में हमने देखा, जो नरूटो है वो अपना कुरामा खो देता है। तो गाइस, अगर आपको लगता है कुरामा वापस आने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल सही हो। मजा आया, बिकॉज हमने रीन के साथ भी देखा था, जब रीन मरी थी तो उसके साथ थ्री टेल्स भी मरा था, बट वो वापस कैसे आया? चक्रा के एग्जिस्टेंस के कारण, क्योंकि मिज़ुकागे के बॉडी के अंदर थोड़ा सा थ्री टेल्स का चक्रा बाकी था, तो इसके कारण वो एक्सट्रैक्ट होके फिर से जिंदा हो गया। बट नरूटो के केस में ये सब अलग है, क्योंकि उसकी मम्मी और डैडी दोनों मर चुके हैं, बिकॉज वो दोनों ही जिंचुरिकी थे, बट अब वो नहीं है। फिर कुरामा कैसे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, किसी ने सोचा है? नहीं। मैं बताता हूँ, इन द बोरूटो एपिसोड नंबर 203 हमने देखा कारा के हाइड आउट में, वहाँ पे एक और टेन टेल्स है। अब मैं ज्यादा वीडियो को खींचना नहीं चाहता, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाता हूँ। सिंपली मैं कहूँ, नरूटो और सास्के उस टेंटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो कुरामा वापस आ सकता है। अगर वो ऐसा नहीं भी करते, अगर सास्के और नरूटो कारा के मेंबर्स को हराते हैं और आउत्सुत्सुकी को हराते हैं, वो टेंटल्स को नरूटो में इम्प्लांट यानी कि सील करते हैं, तो नरूटो नेक्स्ट स्टेज ऑफ द सिक्स पाथ्स बन सकता है। और जैसे कि हागुरोमो ने फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर में भी कहा था कि नरूटो इन सब चीज़ों के लिए कैपेबल है। अगर नरूटो इन सब मिशन में पास हो गया, तो वो नेक्स्ट स्टेज ऑफ द सिक्स पाथ्स बन सकता है पूरी धरती को बचाने के लिए। सो गाइस, वो स्टेज ऑफ द सिक्स पाथ्स क्यों बनेगा, इसके लिए मेरे पास एक और थियरी है। बिकॉज अगर जब वो कारा को हराएंगे, तब बहुत सारे आउटसुत्सुकी टीम्स अर्थ पे आ जाएंगे, तो उनको हराने के लिए नरूटो को मैसिव अमाउंट में चक्रा लगना चालू होगा। सो सास्के उसको बताएगा कि नरूटो तुम स्टेज ऑफ द सिक्स पाथ बन सकते हो, क्योंकि नरूटो ने बहुत बार ज़्यादा चक्रा यूज़ किया है, तो उसको पता है कि ज़्यादा चक्रा कैसे हैंडल करते हैं। सो वो स्टेज ऑफ द सिक्स पाथ बन जाएगा और पूरी दुनिया को बचा लेगा। ये मेरी थियरी है, बट आई नो गाइस, ये थियरी ज़्यादा सेंस नहीं बनाती, फिर भी मैंने आपके लिए ये थियरीज इन डिटेल एक्सप्लेन की है। अगर आपको ये थियरी अच्छी लगती है और आप चाहते हो कुरामा वापस आए, तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 50 लाइक्स का, प्लीज़ करवा देना, और जल्दी से जल्दी 700 सब्सक्राइबर्स भी करवा देना। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।